विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़े के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को पंचायत समिति सभागार में संवाद संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम अमीलाल यादव रहे, जबकि अध्यक्षता ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी ने की। कार्यक्रम में परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 चिकित्सा संस्थानों और 16 कार्मिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीएम अमीलाल यादव ने कहा कि लगातार बढ़ती जनसंख्या एक तरह से विकास में बाधक है। गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इनके पीछे काफ़ी हद तक जनसंख्या वृद्धि जिम्मेदार है, इसलिए इस ओर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जनसंख्या के अनुपात में संसाधन काफ़ी कम होते जा रहे हैं। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में बढ़ती आबादी के कारण होने वाले दुष्प्रभाव और इससे जुड़े सभी मुद्दों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर उन्हें जागरूक करना है। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर नगेंद्र पांडे ने बताया कि कार्यक्रम में परिवार कल्याण कार्यक्रम में बेहतरीन कार्य करने वाले सीएचसी झील का बाड़ा और पीएचसी सिंघाड़ा को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा अश्विनी कुमार चौबे सहित 15 ANM नर्सिंग ऑफिसर आशा सहयोगिनी को भी सम्मानित किया गया, जिनमें ANM कुसुमलता मीराबाई, नीतू धाकर, प्रेम धाकर, नीलू गुप्ता, आशा सहयोगिनी, निधि देवी, सत्यवती, रोशनी, सुनीता, अनिल कुमार शर्मा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, वैजयंती माला नर्सिंग ऑफिसर, कीर्ति कुमारी, PHS ब्रजेंद्र कुमार मीणा और लेखाकार गिरीश गर्ग को सम्मानित किया गया। आज विश्व जनसंख्या दिवस के ऊपर मेडिकल विभाग द्वारा ये मीटिंग आयोजित की गई है। इसके अंतर्गत अपने जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो उसके संबंध में चर्चा की गई है। जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, जिन प्रतिभागियों ने, उनको सम्मानित किया गया है और आगे की कार्य योजना और कैसे काम किया जाना चाहिए वो विषय सामने सबको बताया।